छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही जनता से किए वादे को पूरा करने पर प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पूरे 100 दिन होने के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यूं तो किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन का समय काफी नहीं होता, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने मात्र 100 दिनों में ही सफलता और विश्वास के इतने कीर्तिमान रचे हैं जितना पूरे 5 वर्ष में भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। 24,70,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ की राशि एक मुफ्त उनके खाते में किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए एक मुफ्त दिया। इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा वायदा पूरा कर दिया। 100 दिन के अंदर ही ये वादा हमने पूरा किया। इसी तरह से हमने वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता जनता के बीच लाने और किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियां और मोदी की गारंटी पर आधारित वादों को पिछले 100 दिन के कार्यकाल में पूरा करने के हिसाब किताब के साथ फिर से जनता की अदालत में उपस्थित हैं, जिसे निसंदेह जनता का आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, मात्र 12 हफ्ते के रिकॉर्ड समय में उनसे अधिकांश बड़ी गारंटियां पूरी कर ली गई है। देश और दुनिया के शायद किसी भी सरकार ने इतनी तीव्र गति से कार्य नहीं किया होगा। इस अल्प समय में ही सरकार ने वादों को पूरा करने में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। साथ ही सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के बीच प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने का एक माध्यम बनाने की कोशिश थी और जिस पर सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। और क्या कांग्रेस पार्टी को वो काला धन है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है 1600 करोड़ रुपए, ये सोनिया जी को और खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में ना किसी राजनीतिक दल को ना किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी घोटाला किया है, ये भूपेश बघेल जी स्पष्ट करें, कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल ब्रांड चुनाव में काले धन को रोकने के लिए एक प्रयास था, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है, तो आगे उस दिशा में कार्यवाही होगी। कांग्रेस में देखिए, ये सही है, कांग्रेस में सिर फुटव्वल मचा है, ये सिर फुटव्वल मचा है। आज कांग्रेस पार्टी जनाधार और अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, आज कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।